अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग दाल तड़का, एकदम ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल फ्लेवर आएगा इसमें, टेस्ट आएगा, वो भी मेरे तरीके से, और वो भी सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, और कम समय में झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। बच्चे के टिफ़िन के लिए बनाना हो, चाहे लंच के लिए, चाहे डिनर के लिए, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारी दाल इस तरह से, दाल अगर बने तो खाने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल ले लिया है, मूंग दाल लिया है मैंने, आप किसी भी तरह से कोई सा भी दाल ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज लिया है, 3 टमाटर ले लिया और 2 मिर्चियाँ लिया है, 1 तीखी मिर्ची लिया है और 1 कम तीखी वाली है, हरी वाली जो है वो कम तीखी है। तो आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं आप उस तरह से डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो दाल लिया है, दाल को मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर मैंने उसको आटे की छन्नी से छान लिया है ताकि इसमें जो भी पाउडर वगैरह कुछ भी है वो निकल जाए। फिर उसके बाद फिर मैं एक रुमाल को गीला करके इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि मैंने इसलिए इतना मेहनत किया है, दाल को मैंने धोया नहीं है। तो आप अगर धो के बनाना चाहते हैं तो आप पहले से दाल को धो के फिर सुखा के उसको फिर एकदम ड्राई करके फिर बनाइएगा, क्योंकि दाल को हमें तेल में फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी करना है, उसके बाद हमें दाल बनाना है, तो तभी ये दाल में स्वाद आएगा इसी तरह से। तो इसलिए मैंने दाल को धोया नहीं है। दाल अगर हम धोएंगे तो दाल हमारी नरम हो जाएगा, क्रिस्पी फ्राई नहीं होगा। तो देखिए मैंने सभी सब्जियों को इस तरह से मैंने काट लिया है। अब हम यहाँ पर तेल ले लिया है, तेल को गर्म करके हम दाल को फ्राई कर लेंगे एकदम क्रिस्पी करके। और जब इसका दाल फ्राई हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज होएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये कलर हमारी चेंज हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे, ये हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो दाल को हम बाहर निकालेंगे और ये जो तेल बचेगा ये दाल हमारी बाद में काम आ जाएगा तड़का मारने के लिए। तो चलिए दाल हमारी पूरी तरह से निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पे एक कुकर ले लिया है, कुकर में हम दाल शामिल कर देंगे और जो भी हम सब्जियाँ काटे हैं उसको भी हम शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, पानी ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दाल और सब्जियाँ सब कुछ बराबर का रहे, इतना ही पानी हमें शामिल करना है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दिया और नमक शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसका कुकर का ढक्कन बंद करके सिर्फ 2 सीटियाँ लगाएंगे हम। तो देखिए मैंने 2 सीटी लगा लिया है और पानी भी इसका पूरी तरह से सूख चुका है और दाल भी हमारे अच्छे से गल चुका है। तो दाल को हम इस तरह से रहने देना है, दाल को हमें अच्छे से मैल नहीं करना है, इसी तरह से दानेदार दाल को रखना है हमें। तो अब हम पानी शामिल कर देंगे, आप अपने हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा जैसा आपको रखना है, गाढ़ा पतला, अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक चेक कर लेंगे इसका, को अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। तो देखिए दाल हमारी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, अभी हम 5 फोरन डाल देंगे और 2 रेड चिली डाल देंगे 2 से 3, और यहाँ पर तेज़पत्ता डाला मैंने 1, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। तो इस तरह से आप भी तड़का लगाएगा दाल को, आपकी दाल बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद करके कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला 1 टीस्पून। तो अभी हम दाल शामिल कर देंगे, एकदम चटकदार एकदम तड़का लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने तड़का लगा लिया। जब भी आप दाल को तड़का लगाए तो इस तरह से बड़े बर्तन में लगाए, दाल की जो मेन स्वाद है ना तो तड़के में ही है। तो इस तरह से अगर आप दाल को तड़का लगाएंगे तो देखेंगे आपके खाने में 4 चांद लग जाएंगे। तो देख सकते हैं एकदम हमारी दाल माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन दाल बन के तैयार हो गया, एकदम ढाबे स्टाइल में, सिंपल तरीके से, सिंपल चीज़ों में। तो एक दफ़ा ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरीके से, बहुत ही मज़े का दाल बनेगा आपकी, देखेंगे आपके खाने में 4 चांद लग जाएंगे, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। अब ये दाल बनाएंगे ना, इस दाल के साथ आपको कुछ भी सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा आपका, कोई भी रोटी सब्जी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटते रहे। अल्लाह हाफिज़।